नमस्कार स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ उपवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड माटनर ब्रिज के सामने अजमेर। आगामी जिला परिषद सदस्य के चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी नेताओं ने एकजुट होकर सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया। मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बताया कि जिला परिषद के 32 के 32 वार्डों में बीजेपी ने एक एक प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। जैन ने बताया कि बीजेपी से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, जहाँ क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार को संचालित किया जाएगा। जनता बिजली के बिलों से परेशान है। बीजेपी के नेताओं ने जनसंपर्क करते हुए बिजली पानी के मुद्दे को उठाया है। अजमेर जिले के अंदर पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं, पूरे जोरों शोरों से अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। चाहे नसीराबाद हो, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर ग्रामीण, जितने भी हमारे पंचायत समितियाँ हैं, मसूदा हो, वहाँ पर जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एकमुश्त होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज के अंदर जिस प्रकार कोरोना काल जब अपने चरम पर था, तो उस समय जो क्षेत्रीय जनता अजमेर के रामगंज थाना इलाके में चंद्रवरदाई नगर में भतीजी ने अपने चाचा के यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 5 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण चुरा लिए। मकान मालिक सुनील विश्वा ने बताया कि 2 दिन पहले वे किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनके बड़े भाई की बेटी गुंजन यहीं पर थी, जो कि अलमारी में पड़े सारे गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित सुनील विश्वा ने मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। रिटायरमेंट में हमारी बच्चियां आई थी और 30 तारीख को मेरा रिटायरमेंट था, सितंबर को, तो बुलाया था, हमने आए थे। वो गुंजन नाम की एक लड़की है, वो यहाँ आई थी, 2-3 बार आई है, हमारी भतीजी, भैचअप की बच्ची है भतीजी। चलती बस से एक यात्री के सोने चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है, अज्ञात व्यक्ति ने चलती बस से चुरा लिए हैं। पीड़ित सिविल लाइन थाने पहुंचा है अपनी शिकायत दर्ज कराने। तो आइए हम आपको दिखाते हैं लाइव दृश्य। जी हाँ, देखिए जिस प्रकार से हम आपको बता दें, गोटन निवासी मूल सिंह है, जो अपने परिवार के साथ गोटन से बेंगलोर के लिए बस में बैठा था। पीड़ित मूल सिंह ने जानकारी दी है कि वह अपने परिवार के साथ गोटन से बस में बैठा था और चलती बस से अज्ञात शातिर, मैं गोटन से आ रहा था, तभी एक गाड़ी खड़ी है पास में, मैं से बैठा, वो गाड़ी चेंज कर ली गोटन वाली, बाद में इसमें बैठा मेहरता से, फिर बाद में एक ड्राइवर के पास रखा था, वो ड्राइवर के पास में रखा चोरी हो गया। नहीं नहीं सर, अजमेर में काम पहुँचे, अजमेर में इस तोरा पे पहुँचे थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, उतारने के बाद बैग देखा तो बैग फटा मिला, जब तक ये गाड़ी चली गई। अलवरगेट थाना पुलिस ने आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्ट्रीटर कुमार मोहल्ला निवासी भोला और भोले शंकर को 138 देशी शराब के पौवे सहित गिरफ्तार किया है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि शराब तस्कर भोला और भोले शंकर के खिलाफ पूर्व में भी अवैध शराब और मारपीट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। सर्दी के मौसम में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक बैठकों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज निजी अस्पताल संचालकों और निजी चिकित्सकों के साथ संवाद कर उनसे सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 12 बजे CM आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सकों से संवाद किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश भर के निजी अस्पताल संचालक और चिकित्सक जुड़े और कोरोना की रोकथाम को लेकर अपने सुझाव मुख्यमंत्री को दिए। VC के दौरान मुख्यमंत्री कोविड मरीजों
को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना कराने की अपील भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त और तमाम जिलों के कलेक्टर भी जुड़े। अभी COVID-19 में निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स का सहयोग कैसे मिले और उनकी अभी तक क्या भूमिका रही उसके लिए भी, इसलिए जिसमें अजमेर शहर के भी निजी हॉस्पिटल्स हैं वो भी कोविड का इलाज कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में सीएम साहब ने चर्चा की। सबसे ऑलरेडी ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज पुलिस महानिदेशक मुकेश लाठर ने सभी जिला मुख्यालय से जुड़े पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा की। इस वीसी में अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित बड़े अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक लाठर ने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने रेंज की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक मुकेश लाठर को जानकारी दी। दिया हुआ है कंसेशन कि एक दिन आपका, क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल में सभी जगह है, एक दिन। स्मार्ट सिटी परियोजना में बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान गांधी भवन चौराहे से इंडिया मोटर सर्किल तक आए दिन वाहन का लंबा जाम लग जाता है। जाम से नाराज कचेरी रोड के व्यापारियों ने स्वामी न्यूज को बताया कि एलिवेटेड रोड के पिलर के आसपास लोग अपने चार पहिया वाहन को खड़ा कर चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। कल भी ट्रैफिक सीओ को व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आज बड़ी संख्या में चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहनों का जाम लग गया, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम कचहरी रोड के व्यापारी नरकीय जीवन जी रहे हैं साहब। जब से लॉकडाउन खुला है हमारी दिवाली काली दिवाली गई। दिवाली में कोई धंधा हमारा नहीं हुआ। पिछली दिवाली में भी यही हाल था, इस दिवाली में भी यही हाल है। वजह इसकी, वजह यह साहब, आए दिन रोड जाम हो रहा। अनाया फाउंडेशन, जिला प्रशासन और आरपीएफ जीआरपीएफ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आज रेलवे स्टेशन परिसर में कुलियों और वेंडर से बातचीत कर उनके जीवन में आ रही परेशानियों के संदर्भ में उनसे जानकारी ली। अनन्या फाउंडेशन की नितिशा शर्मा ने बताया कि यह संस्था पिछले कई दिनों से इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज कुलियों और वेंडर से अंताक्षरी के माध्यम से उनके घर परिवार में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली, साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। अजमेर जिला प्रशासन, अजमेर पुलिस, इनाया फाउंडेशन, गोविंद देव जी ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम किया गया। समस्त पर्ज की चुप्पी तोड़ो एक आवाज़ कैंपेन चलाया जा रहा है अजमेर जेल जिला पुलिस की तरफ से। इस कार्यक्रम हम यही बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों के ऊपर बातचीत हुई है हमारी वो कुलियों के साथ, जिसके अंदर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। महिला जेल में महिला सुरक्षा को लेकर अनाया फाउंडेशन और जेल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को महिला सुरक्षा संबंधी गुड टच बैड टच के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि समाज में फैली बुराई मनोवृत्ति को खत्म करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिलाओं और बच्चियों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। यहाँ पे जो महिला बंदी हैं उनका अनाया फाउंडेशन की ओर से गुड टच बैड टच का एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर जो समाज के अंदर जो एक बुराई है, एक मानसिक बुराई है, उस मानसिक बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनाया फाउंडेशन के द्वारा आज जो महिला बंदी है इनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद राज्य सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2020 को निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद पुष्कर में दीपावली के त्यौहार के बाद जिस तरह से धीरे धीरे श्रद्धालुओं की, पशुपालकों की भीड़ बढ़ने लगी और कल जिस तरह से पशुपालक जानकारी के अभाव में अपने पशु लेकर आ गए और जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, उससे पुलिस और प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी। आज जो पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी और उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगरपालिका के आला अधिकारियों ने पुष्कर के बाजारों का, पुष्कर के मेला क्षेत्र का जायजा लिया है और जितने भी जो तमाम अस्थायी दुकानें थी, अस्थायी अतिक्रमण के, उनको हटाया गया है।
दुकानदारों, श्रद्धालुओं, पुरोहितों से समझाइश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और किसी भी सूरत में बिना मास्क के बाहर नहीं आए। पुलिस और प्रशासन की तमाम ये जो कवायद है वो भीड़ रोकने को लेकर है। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने लोगों से अपील की है, पशुपालकों से अपील की है कि पुष्कर मेला निरस्त हो चुका है, किसी के बहकाव में आकर आप पुष्कर मेले में आकर अपना समय, अपना धन और अपनी एनर्जी नष्ट नहीं करें। वहीं उन्होंने धार्मिक मेले में आने वाले लोगों से भी अपील की है कि जान है तो जान है, इसलिए इस साल आप बहुत ज़रूरी काम हो तो ही पुष्कर मेले में आए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बढ़ती भीड़ की आठ ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है और प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। प्रशासन और पुलिस के जितने भी तमाम जितने भी महकमे हैं उन सब की एक ही कोशिश है कि किस तरह से पुष्कर मेले में आने वाली भीड़ को रोका जाए। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई ना कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।